المرتحبين الطاهرين المعصومين المظلومين لقد قال الله تعالى سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الأمين بسم الله الرحمن الرحيم لقد قام لكم في رسول الله أسوة حسنة जो दुआएं आप जहनों में रखते हैं इस जिक्र का सदका शहजादी कौन के बच्चों का सदका अल्लाह सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमाए मुकद्दसा की मेरे मालिक हिफाजत फरमाए और सबसे बड़ी दुआ कीजिए वली रसूल मौला की ज़हूर पाक में अल्लाह ताजी फरमाए इन दुआओं की कबूलियत की खातिर एक सलवात लेकिन बुलंद मैं जो गुजारिश आपसे कर रहा हूँ देर तो रोजाना हो जाती है लेकिन आज मेरी कोशिश होगी कि मैं कोई तवील जहमत आपको न दूँ। दुनिया में हो ये रहा है कि मैंने कल भी कहा था कि ये जिक्र मजहबों मसलकों में तकसीम नहीं करना चाहिए था क्योंकि आले मोहम्मद का कबीला कायनात का वाहिद कबीला है कि जिन पर दुरूद ना पढ़ा जाए तो किसी की भी नमाज नहीं। मैं तो हमेशा अहले इस्लाम भाइयों से कहता हूँ कि अगर दुरूद वाला कबीला तुमने शियों को दे दिया तो तुम्हारी नमाजों का क्या बनेगा। लिहाजा इस जिक्र में फिलहाल मेरी दोस्तों से अपील होती है अपने दोस्त अहबाब को आप लाया करें। लेकिन हो ये रहा है दुनिया इस्लाम में कि बंदे फ्रंट पे अल्लाह को रखते हैं और तबलीग अपने मसलों की क्या बात है। मेरा पंजाब से ताल्लुक है मैं कभी कभी कहता हूं कि जब फ्रंट पे अल्लाह हो तो फिर अल्लाह मियां नाल मत्था कौन लाए। देखिए जब ये लिख दिया जाए कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी बंदे चुप करके गुजर जाते हैं। हमारे तो ये स्लोगन बन गए स्टिकर बैनर फ्लैक्स मेरे लिए बस मेरा अल्लाह काफी। किसी के पास सोचने की फुर्सत नहीं है कि अल्लाह ने तेरे इन जिहादी मौलवियों से कहा है कि कह दीजिए अल्लाह काफी। अल्लाह ने हुजूर से कहा था खुल हस्बी मोहम्मद तू कह दे कि मेरे लिए मेरा अल्लाह को काफी कहने के लिए बंदे को मोहम्मद होना चाहिए। लेकिन अब वही तौहीद वाला सिलसिला सिर्फ अल्लाह फकत अल्लाह बस अल्लाह। मैंने कल भी कहा था कि अगर आप या अली कहलवाना चाहते हैं तो पहले बच्चों से या रसूल अल्लाह कहलवा कल आप तशरीफ फरमाते ना कि जिस बंदे ने या मोहम्मद ही नहीं कहना वो या हुसैन कैसे कहता। लिहाजा उसी सिलसिले की कड़ी है और ये कहा जाता है जी मरने वालों के ये मामलात जो है ये भी रस्में हैं रिवाज है लिहाजा मरने वालों को न दुआ काम देती है न फातिहा काम देती है। मरने वालों के वो अमल काम आते हैं जो जिंदगी में खुद करके जाते। अब अच्छे भले बंदे भी कहते हैं यार बात तो ठीक है ये बात की दुआएं कैसे पहुंचेंगे अमली काम आए और मैं अमलों का इनकार नहीं कर रहा हूं लेकिन अगर ये देखें मैं समझता हूं कि फातिहतुल किताब की अहमियत है
کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ اس سورت الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اگر الحمد پڑھنے کا ثواب بھی مردے کو نہیں پہنچتا تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں پہنچتا. کہتا یہی سبب ہے کہ بندے پورے حوصلے سے کہتے ہیں کہ جی مرنے والوں کو دعا نہیں پہنچ. ماشاءاللہ ذہین ترین چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ سبجیکٹ وہ ہیں جو مجالس میں بیان کم کیے جاتے ہیں. میری ان مسلمانوں سے اللہ والوں سے خصوصی اپیل ہے کہ اگر مرنے والوں کو مرنے کے بعد آپ دھیان نہیں دیں گے مجھے تو پتہ. اگر یہ بچے خصوصاً دھیان رکھا کریں, انہیں آگے بھی بات کرنا پڑتی ہے کہ اگر مرنے والوں کو, آگا جی اگر مرنے والوں کو دعا نہیں پہنچتی پھر یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ تو جب مرنے والے کو مرنے کے بعد دعا نہیں پہنچتی پھر ہمیں بتایا جائے نماز جنازہ کیا. جب دعا پہنچتی نہیں پھر جنازہ چھوڑو. ویسے بھی جنازے چھوڑنا کچھ کہ الحمد بڑی پاور والا سورہ ہے. اس سے سبب آسانی بھی مولانا بھی موجود ہے اور آپ بھی لٹری چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. الحمد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے. آیتیں اس کی ساتھ ہیں. تو یہ کیا فلسفہ ہے سات آیتوں کو دو دفعہ کیوں اتارا؟ صرف اس لیے صاحب پہ گزارا اللہ کا بھی نہیں ہوتا اگر 14 ہو جائے. تو اب اتنی اگر پاورفل سورہ پڑھنے کا بھی ثواب مرنے والے کو نہیں پہنچتا تو پھر اس کا مطلب ہے مرنے کے بعد پہنچنے کا راستہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک. جو ٹائم دیا گیا تھا وہ زندگی میں آپ نے جتنا عمل کی ہے بس وہی ہے. اب یہ بات کہ قول شول یہ فاتحہ یہ دعائیں یہ رسمیں تو ہیں ثواب نہیں جاتا. زیرک مجمع میں بات کر رہا ہوں کہ اگر مرنے والوں کو ثواب نہیں پہنچتا تو اس کا مطلب ہے پھر کچھ بھی نہیں پہنچتا. جب آپ چپ ہوتے ہیں تو آپ جب مرنے والے کو ثواب نہیں پہنچتا فاتحۃ الکتاب الحمد کا اگر ثواب نہیں پہنچتا تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں پہنچتا. جب کچھ بھی نہیں پہنچتا تو پھر یہ اللہ والے کیوں کہتے ہیں کہ میت کو رونا نہیں چاہیے؟ اگر میت کو رویا جائے اسے عذاب پہنچتا ہے. کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں یہ قبر ون وے ٹریفک ہے. کہ جہاں عذاب پہنچ جاتا ہے سوال نہیں پہنچ رہے. میری جان خدا قرآن میں کہہ رہا ہے نکتبو ما قدمو و آثارا جو تم آگے بھجوا رہے ہو نا ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں. تم پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہو ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں.
जो आगे भिजवाते हो वो आमाल है, जो पीछे छोड़ के आ रहे हो यही साले सवाब। तेरी छोड़ी हुई दौलत से अगर अज़ा खाने बने, तबलीगे दीन के काम होंगे, तो अगर तेरे आमाल आगे जा रहे हैं तो वो जो छोड़ा है तुम्हें। और एक बात बाखबर चेहरों में कह रहा हूँ, नूरानी रूहानी माहौल होता है, निखरा निथरा मजमा मेरे सामने। एक बात ज़हन में रखना, फैसला तो ना पीठ कर रहा हूं कि अगर मरने वालों को अजाब या सवाब पहुंचने की गुंजाइश न होती, हर मरने वाले की जन्नत जहन्नम का फैसला कब्र की पहली रात में कर दिया जाता, ये कयामत का दिन मुकर्रर करने की जरूरत है। मैं समझता था ये हिंदू पाक का मसला, ये बड़े सगीर का ये मसला है, क्योंकि बहुत सारे मजाहब के मरकज बड़े सगीर में। जब इंडिया का बंदा बैठा हो तो वो मुझे सुभान अल्लाह कर दे, देखे कितना बड़ा मकतब फिक्र है पाकिस्तान में, जो बंदियों मरकज मदीना नहीं। मेरे जहन में यही था कि ये जो है ना कि मुर्दे को रोने से मुर्दे को गुनाह होता है, अज़ाब होता है, मैं समझता था ये हमारे पाकिस्तान वगैरह का ये मसला। दूसरी बुक थी मुझे बड़ी पुरानी सी किताब, मैं हैरान रह गया कि उसमें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी हमारे बारे में, तो ये बड़ी जान खाई जाती है कि ये जी नबी की बीवियों की इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते। मैं जिक्र करने लगा हूँ एहतराम से करूंगा, लेकिन मामला इल्जाम का रह गया कि शिया नबी की बीवियों को इज्जत नहीं देते। भाई हम मिस्कीन माड़े तो हैं, लेकिन हमारे कुछ उसूल हैं, हमें हकीकत मिल जाए ना तो हम फिरौन की बीवी की हद भी कर लें। मेरी नजर से रिवायत गुजरी, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं, कि किसी बंदे ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से, कैमरे मौजूद है, मैं रजी अल्लाह तआला अन्हा कह रहा हूँ, पब्लिक रोक रही है मुझे। हम समझते हैं रजी अल्लाह जिनका हक है नहीं देना चाहिए, एक मुस्लिम ने एक मुसलमान ने उम्मुल मोमिनीन से कहा कि जी कुछ लोग कहते हैं कि मैयत पे रोना नहीं चाहिए, मुर्दे को रोया जाए तो उसे गुनाह होते हैं। तो फिर मुझे यकीन आया कि ये मसला पाकिस्तान या इंडिया का नहीं है, ये तो बीबी साहबा की जिंदगी में भी था, क्योंकि वो बंदा ये कह रहा है कि बीबी कुछ लोग कहते हैं कि मुर्दे को अगर रोया जाए तो मुर्दे को गुनाह होता है। अब मेरी जो बंदे जान खाते हैं ना कि जी मैयत को रोने से गुनाह होता है, मेरी उनसे अपील है जिनको मानते हो ना उनकी बात भी मानो। बड़ा अजीब लगता है जी, हम जी मानते हैं हम जी मानते हैं, और जिसको मानना चाहे उसकी बात माननी चाहिए। अल्लाह फरमाते आदम को सजदा करो फसाजा दू
इल्ला इबलीस, सारे सजदे जमा कर सके, सारे सजदा कर गए, इबलीस ने इनकार किया। खुदा फरमाता है ए इबलीस मुझे मानते हो? उसने कहा तुझे मानता हूं पर तेरी नहीं मानती। तीन ये है जिसे मानते हो उसकी बात मानो। अब उम्मुल मोमिनीन से पूछा जा रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि मुर्दे को अगर रोया जाए तो मुर्दे को गुनाह होता है। बीबी ने जवाब देने वाली अखीर कर दी, उन्होंने कहा कि अगर रोना गुनाह है तो गुनाह रोने वाले को मिलना चाहिए, ये मुर्दे का क्या कसूर है? आपके में क्या कह रहे मेरी बात है? मैं बिना नागा भी लेकर रोना गुनाह इल्तिमास कर रहा हूं कि कतन हम में से कोई नहीं है। देखे मेरे घर तीसरा दिन है मैंने किसी की तौहीन की, मैंने किसी की तरकीस की हो, किसी की तरकीद की हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो मिन्नत कर रहा हूं कि अगर हजरत इब्राहिम के बेटे की याद वाली कुर्बानियों पे सारे फिरके इकट्ठे होते और मोहम्मद के बेटे की कुर्बानी तुमने शियों को दे रखी है। मैंने पिछली तकरीर में ये गुजारिश की आपसे कि है वो भी कुर्बानी है ये भी कुर्बानी, उसे सारे मनाते हैं जिलहज को, हालांकि वो ख्वाब है। समझदार लोग हैं बाबा, वो ख्वाब है क्या कहने बाबा? या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, इब्राहिम कह रहे हैं बेटा मैंने ख्वाब देखे अन्नी अजबा होगा कि मैं तुझे जफा कर रहा। अब उम्मत और नबी के ख्वाब का ही फर्क, इब्राहिम फरमाते हैं बेटा मैंने ख्वाब देखे कि मैं तुझे जफा कर रहा हूं और बेटा आगे किसे क्या कह रहे हैं या बत्ती फाल मातो मर, बाबा जो हुक्म हुआ है वो कीजिए। इब्राहिम कह रहे हैं मैंने ख्वाब देखे, उम्मतों के ख्वाब ख्याल होते हैं। नबियों के ख्वाब अहकाम। अच्छा इसका एक और कमाल पहलू, इब्राहिम साहब शरीयत भी है, उलुल अज़्म भी है, साहब कलमा भी है, साहब उम्मत भी है, नबी भी है, पैगंबर भी है, मुरसल भी है, फिर भी तसल्ली नहीं हो रही, इमाम बनने को जी चाह रही। तैयारी पेपर हल करता फिर रहे इब्राहिम कि मुझे इमामत मिल जाए, इसका मतलब है नबूवत बगैर इम्तिहान के मिल जाती है। लंबी ज़हमत नहीं दूंगा लेकिन खुदा ना तेरी तौर पे आपका मैं ठीक 9 बजे कल की नमाज रच जा रहा हूं, मेरी वजह से आप परेशान हुए, कल थोड़ी देर हो गई लेकिन मैं अपने टाइम पे बिल्कुल हाजिरी 9 बजे मैं पहुंचा हुआ था। अब आपकी तोहबत है मुझे 10 मेंबर दें 10:15 दें लेकिन आप मुझे, मैं 10:30 से मैं आगे नहीं जाऊँगा। कल से जहमत कीजिएगा, बर वक्त आ जाइएगा, वर्किंग डेज होते हैं, परेशानी आपको भी होती है, हमारे मौलवियों की क्या मसरूफियत है, 11 भी बजते 12 भी बजते लेकिन मामला तो आपके, ज़्यादा आपकी परेशानी हमारी परेशानी है, थोड़ा पर वक्त आप तशरीफ। मैंने क्या कहा है नबूवत बगैर इम्तिहान के नहीं, बंदे फिर भी पूछते हैं जी इमामत का मकाम क्या है, तुझे फिर भी अंदाजा नहीं हो रहा? सारे पेपर हल करता रहा। खुदा फरमा रहा है इज़्तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमात फअतम्मह, अब अल्लाह कह रहे उसने तमाम मुकम्मल कर दिए, मैं कौन होता हूं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान को अधूरा कहते हैं। पर्चे हल करता रहा। एक दिन इब्राहिम की जौजा ने कहा कि तू नबी भी है, मुरसल भी है, पैगंबर भी है, ये कुछ दिनों से मैं तुझे बदला बदला देख रही हूं, क्या चाहते हो? इब्राहिम का इमाम बनना चाहता हूं। उसने कहा सारे मनसब तो हैं,
इमाम बन के क्या करोगे? उसने कहा दुआ कर कामयाबी मिल जाए। जब इमाम बन गया फिर मेरी मर्जी सूरज निकलने दो या ना निकलने। इमामत कब मिली पूछिए उलमाए दीन से, कब मिलती है इमामत इब्राहिम अलैहिस्सलाम? जब आखिरी पर्चा हल कर दिया और बेटे के गले पे छुरी रख दी, दुनिया को यकीन आ जाना चाहिए इमामत वो मंसब है जो बेटे देने से मिलता है। बेटियां देने से अपनी बात करने का हक है। बंदे अक्सर ये कहते थे कि नहीं ये इश्क वाला ये शिया खतीबों में ये पता नहीं कहां से ये बात ले आए। मैंने कल परसों भी कहा तासियत का ताल्लुक इंसानियत से है, तासियत का ताल्लुक मातम का ताल्लुक इश्क से है, इजहार इश्क से है। नमाज का ताल्लुक शरीयत से है, मातम का ताल्लुक इश्क से है। शरीयत भी दीन है, इश्क भी दीन है। शरीयत आसान है, इश्क मुश्किल है। बुजुर्ग है आप मेरी बात पे ध्यान दें, आसानियों में हर कोई शरीयत आसान है। आसान नमाज शरीयत है, और आसानियां क्या चाहते हो? वाजिब है नमाज, कतन गुंजाइश नहीं है आले मोहम्मद के मसलक में बेनमाजी होने की। लेकिन आसानियां देखो, अल्लाह तबीयत ठीक नहीं है खड़ा नहीं हुआ जाता, अल्लाह फरमाते बैठ के पढ़ ले, अल्लाह पाक बैठ के नहीं पढ़ा जाता, फरमाया लेट के पढ़ ले। अच्छा तू मालिक है, लेट के भी हिम्मत नहीं है, इशारों में पढ़ ले, हाथ ही नहीं है ना सोचो में पढ़ ले, अलग टेंशन का मरीज हूँ। खुदा फरमाता दवाई शवाई ले, तंदुरुस्त होके पढ़ लेना, तू कजा पढ़ेगा मैं अदा ना लू मुझे खुदा ना समझे। थोड़ी आसानी है, इससे बड़ी आसानी आप क्या चाहे? शरीयत आसान है, इश्क मुश्किल है। जिम्मेदार चेहरे क्या कहने, आसानियों में हर कोई आ जाता है, मुश्किलों में कोई कोई आता। शरीयत आसान थी, शरीयत आसान थी उसमें सारे नबी आ गए, इश्क मुश्किल था सारे ना आ सके, इब्तदा इब्राहिम ने की मुकम्मल हुसैन कर गए। शरीयत और इश्क में कुछ बंदे, अच्छा शरीयत के मरहले अपने, इश्क के अपने, कुछ चीजों की शरीयत में गुंजाइश है इश्क में नहीं है, कुछ की शरीयत में है इश्क में नहीं है, कुछ की शरीयत में नहीं है इश्क में है। माशाल्लाह बाखबर, और क्या पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करने वाले यहाँ पे आप चेहरे, हर बंदा अपने एक अकेडमी की हैसियत रखते है भाई, बुजुर्ग उलमा को जो सुनने वाले चेहरे हैं आप, एक फिक्र में कहने लगा हर मजमे में कहा नहीं जाता। कुछ बंदे सोचते हैं कि यार वो रिजवी साहब कह रहे हैं शरीयत और इश्क, इन दोनों में फर्क है, ये शरीयत भी दीन है इश्क भी दीन है,
पहली बात तो यह है कि अगर कोई बंदा कहे कि जी ये जो आपने कहे कि शरीयत के तकाजे और इश्क दलील मैं दे दूं, शरीयत कहती है अपनी जान की हिफाजत करे। अब आइए इश्क वाले मरहले में आए। अल्लामा इकबाल मुसफर पाकिस्तान को कहना पड़ गया कि बेखतर कूद पड़ा, शरीयत में जान बचाने लाजम है। वो फिरौन से मुज़ाकरात करता, कोई तो रास्ता निकलता, बेखतर कूद पड़ा आतश है नमरूद में। ओहो, ये फर्क नहीं बताया, और हर मजमे में बताया भी नहीं जाता। तौफीक हौसला अल्लाह से मांगो, फर्क में बताने लगे। शरीयत और इश्क में फर्क ये है, शरीयत में बंदा खुदा से मांगता है, इश्क में खुदा बंदे से शरीयत में बंदा अल्लाह से मांगता है, इश्क में खुदा बंदे से मांगता है। नमाज शरीयत है, यही सब में नमाज में 3 मिनट लगते हैं, दुआ पे 6 मिनट लगते हैं। अच्छी बात है, अल्लाह से नहीं मांग रहे तो किससे मांग रहे? वो बड़े शरीर की तारीख में मैंने अकबर बादशाह के बारे में पढ़ा, वो दरबार में मुसल्ले पे मसरूफ है दुआ था नमाज के बाद। एक साल बादशाह से कुछ मांगने आया, उसने बादशाह को मसरूफ है दुआ देखा, वो पलट गया बगैर कुछ कर, गुलामों से बादशाह ने घर से बोला कि आया भी है और बगैर मांगे वापस जा रहा है। बादशाह ने कहा तुम आए थे और बगैर कहे जा रहे? उसने कहा बादशाह सलामत, आपसे कुछ मांगने आया था, आगे आपको भी मांगते रहे। फिर आपसे क्या मांगना, उसी से मांगते हैं जिससे बादशाह। शरीयत मांगना चाहिए, अल्लाह से नहीं मांगना तो किससे मांगना? यही बात है, मांगे जाते अल्लाह घर नहीं है घर दे दे, पेपर नहीं है पेपर दे दे, नेशनलिटी नहीं है नेशनलिटी दे दे, औलाद नहीं है औलाद दे दे, मकरूज हूँ कर्ज अदा कर दे, बेटियां दी है बेटा दे दे। हमारे पंजाब में तो यही होता है, बेटा दी है सेहत दे दे, सेहत दी है जिंदगी दे दे, जिंदगी दी है तालीम दे दे, तालीम दी है डिग्री दे दे, डिग्री बैचलर की मास्टर की मिल जाए तो आप फिर भी खत्म नहीं होती, या अच्छी नौकरी दे दे या यूरोप का वीजा दे। जो दुआ रह गई तो मैंने माफ कर। अच्छा मांगना चाहिए, मांगना चाहिए क्योंकि शरीयत है ना, शरीयत में बंदा खुदा से मांगता है और मांगना चाहिए। लेकिन इश्क में खुदा कहता है इब्राहिम इस्माइल मुझे दे दे, देखे शरीयत वाला नबी मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत नबी है, इब्राहिम भी साहिब शरीयत है, मैं मान लो, लेकिन कुर्बानी है याद चल रही है। सिर्फ शरीयत वाला होता यादें रुक जाती, कुर्बानी की वजह से इब्राहिम और इस्माइल की याद चल रही है, सिर्फ शरीयतों में याद बाकी नहीं रहती।
چالیس راتوں کے لیے موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے، ہے کو مسلمانوں کا قبیل، حالانکہ بڑے مسلمانوں میں فرقے، آپ سوچ نہیں سکتے کتنے فرقے نیٹ پہ موجود ہیں. مطلب میں حیران رہ گیا ایک دن کہ مسلمانوں کا فرقہ وہ گول دائرے میں سجدہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سجدہ ہو رہا ہے، لیکن سجدہ ہے مسلمان ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم حلقہ بنا کے ماتم کر لیں وہ مارے میں نہیں، یہ حلقے میں سجدہ کر لیتے ہیں پھر بھی مارے میں. تو مسلک فرقے پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں، لیکن کوئی فرقہ آپ کی نظر میں ایسا ہے تو خدا را مجھے گائیڈ کر دے. جو حضرت موسیٰ کی سنت میں عمل کرتے تھے، ہر سال چالیس راتیں پہاڑوں پہ گزارتے ہیں، حالانکہ ویسے بھی کچھ لوگوں کی بزرگوں کی پہاڑوں سے یادیں بھی وابستہ، کوئی فرقہ ہے آپ کی نظر میں جو چالیس راتیں پہاڑ پہ جاتے ہیں؟ شریعت والے کے نام ہے، دوسرا نام لے رہا ہوں، تائی فرمائیں گے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام. جائیں مسلمانوں کے ذمہ دار علماء سے پوچھیں، حضرت نوح کا نام نوح نہیں ہے، عبدالغفار ان کی تفسیروں میں نوحے پڑھ پڑھ کے نام نوح بن گئے، جنہیں نوحے کی اہمیت کا نہیں پتا. نوح علیہ السلام کا نام ذہن میں آتے ہی کشتی نوح کا واقعہ ذہن میں آ جائے. ہے کوئی فرقہ مسلمانوں کا جو ہر سال کشتی پہ بیٹھتے ہیں؟ ویسے تو آپ چپ بھی کمال ہو، میں کچھ آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے یادیں شریعتوں کی باقی نہیں رہتی، حالانکہ حضرت موسیٰ حضرت نوح نے تو انتہا کر دیا. اللہ میرا جانتا ہے 950 سال تبلیغی عمر ہے حضرت نوح کی، 950 سال کی محنت کے بعد چند بندے کشتی چڑھے، وہ بھی میلے کپڑے، مسکین. میرے استاد محترم مبلغ اعظم فربدی لہجے کے مالک تھے، پاکستان کا بہت بڑا نام، میں ہمیشہ ان کی بات کرتا ہوں اور نام لے کے کرتا ہوں، مولانا اسماعیل مرحوم فربدی، اور میں 7 سال قبلہ کے ساتھ ادیب عربی فاضل عربی سلطان الفاضل میں ان کے مدرسے میں تھے، میں 7 سال ان کے قرب میں رہا. بخدا اتنی خدمت، اتنے فربدی شہزادہ، یوں لگتا ہے کہ بی بی نے حضرت بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو دی. ایسی بات کرتے تھے، اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی تھی میں نے کرنا کیا. مولانا اسماعیل صاحب خود بھی فاضل دیوبند، باپ دادا بھی فاضل دیوبند، صرفی نحوی زیرا زبرا فٹ، ہر لحاظ سے ٹھیک. مناظرہ چوپن پہ مولوی کہنے لگا، مولوی اسماعیل اوئے آدھا پاکستان تو نے شیعہ کر دیے، تیرا ابا نہ شیعہ ہوئے. مولانا کے والد شیعہ نہیں تھے، رہے بھی مولوی اسماعیل کے گھر، کمزوری اس نے میدان مناظرہ میں کہا تھا ملک شیعہ کر لے، تیرا باپ شیعہ نہ ہویا. مولوی اسماعیل صاحب نے دیر ہی نہیں کیا، کہا کہ بلا پیوہ نہیں چھڑو، پیوہ تھے بڑھے بڑھے آدھے نہیں سنوا. غریب غرف زنجیر زن ماتمی مولا کے مسکین تبا لوگ، دو ٹائم کی روٹی گھر میں نہیں، عزاداری پھر بھی کر رہے ہیں، پورا پنڈ رئیسوں کے ذمہ داروں کے، انہیں کمی سمجھتے ہیں لیکن کمی مولا پاس کی نیاز پکا کے مطمئن ہو جاتے ہیں، روزگار نہیں لیکن نیاز ضرور پکا. کیونکہ مولوی مولا اسماعیل صاحب کہنے لگا، یار وہ اچھے بھلے پڑھے لکھے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تو نے مذہب بھی بدلنا تھا تو کسی اچھے مذہب میں جاتے. سن رہے ہیں؟ کہا کس مذہب میں مجھے؟ کہنے لگا نہیں بات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں مذہب میں جانا چاہیے، تم شیعہ شیعہ ہو کے تم نے کیا کہ جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. یہ پنجاب کلچر، غریب لوگ زیادہ وہاں شیعہ ہوتے، جیسے آپ چپ ہیں مولوی اسماعیل بھی چپ ہو. اس مولوی نے دوسرا اٹیک کیا، کہنے لگا میں نے پورا پاکستان دیکھا ہے، جتنے ناچنے گانے والے ہیں
वो भी शिया। ओए सुन लिया करो, जिन्ने नचन गान आले वो भी शिया। मजहब देखो, जिन्ने जो उसने तीन दफा कहा ना, जिन्ने नचन गान आले वो भी शिया। मौलाना इस्माइल साहब ने की फिक्रा का सरकार ने कहा, मैंने इन गाने वालों से पूछा है और तुम शिया क्यों होते हो? उन्होंने कहा मौलवी इस्माइल खुद तो गुनाहगार है और अगर मुर्शद भी को अपने चंद बंदे, वक्त बिल्कुल जा रहा। हजरत नूह की कश्ती पे एक रईस आदमी, तफसीरों में लिखा है, मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है बात आम फहम की जाए। रईस आदमी हजरत नूह के पास आके कहते हैं, और नूह ये मस्कीन तेरे पास बैठे होते हैं, 100 माड़ा मिस्कीन बंदा तेरा कलमा पढ़े कुछ फायदा नहीं, एक हम जैसा बंदा कलमा पढ़ देख तेरे दीन को कितने रंग लगते। हजरत नूह ने कहा तू पढ़ते क्यों नहीं हो? उसने कहा एक शर्त है, जब हम तेरे दरबार में आए तेरे गरीबों को उठा दिया करते, इनके साथ बैठ के तबलीग दीन सुनना हमारी तौहीन है। अभी नूह ने बोला, उसने कहा ए नूह अगर इन गरीबों को गुर्बत की वजह से अपने दरबार से उठाओगे तो वो भी है जो तुझे भी अपने दरबार से उठा सकता। वाकयात को कहां ले जाएंगे? हजरत नूह की कश्ती वाला वाकया जब जहन में आए तो फौरन जहन में एक बात आती है कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती पे नहीं चला। ये हकायक है और ये कुरान मजीद के बाद आते हैं और कुरान वक्त गुजारने वाली किताब नहीं है। हमारे तो पाकिस्तान में कई बंदे शियों की जान खाते हैं, वो बेटा नूह दा डूबे है जान छाड़ी खा कहते पता क्या, और तुम शिया फख्र करते हो कि हमारा मजहब मोहम्मद के बेटों का मजहब है, तो बेटा तो नबी का डूब गया। अब इससे भी ज्यादा आप चुप हो जाए, लेकिन ये सच है। लेकिन जो बंदे इसको अपने हिसाब से लेते हैं कि पुत्र नबियां दे डूब गए, और मैं तस्लीम कर रहा हूं कि नूह का बेटा डूबा था, वक्त नहीं है ना, मैं क्या करूं, रोक रहा हूं अपने। और नूह के घर से क्या सिर्फ नूह का बेटा ही डूबा था? सलाम के बेटा मुतवज्जे रहे, नूह अलैहिस्सलाम के घर में से क्या सिर्फ नूह का बेटा डूबा था? ये पाकिस्तान नहीं है, कोई एफआईआर में नाम नहीं है, बोल पढ़ो कि अकेला नूह का बेटा डूबा था। एक आवाज तो आ गई, मालिक आपको मजीद बरकतें दे जुबान में, काफी कि नूह की बीवी डूबी, लेकिन मिंबर पे मेरी मजबूरी, मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगा बीवी डूबी थी, मैं इस तरह गुजरूंगा शहर की ट्रैफिक से बचते बचते कि एक नूह का बेटा डूबा था, दूसरा उस बेटे की छोटी अम्मी डूबी थी। चला गया दूसरा उस बेटे की अम्मी, चले चले आप नूह का बेटा डूबा था, दूसरा उस बेटे की अम्मी डूबी थी। इसका मतलब है कुरान बता रहा है कि कुछ बेटों ने अम्मी की वजह से भी डूबना है। रहूं और आसिफ भाई नारे लगाते हैं, आप भी इबादत में शुमूलियत किया। बाकी तमाम लोग, हजरत नूह ने देखा कि मिस्कीन वाले लोग तो कश्ती पे चल रहे, औलाद नबी की होके दूर खड़ा। कुरान कह रहा है नूह ने कहा या बुने यार कब मांग बेटा कश्ती में हमारे साथ रहे। कुरान अगर सबीडो सबीड पढ़ना सवाब है ना, फिर समझ के पढ़ना भी सवाब।
पूरे घर से या बोला यार कब बेटे ने क्या कहा قال صافي الى جبل ياسمني यह आयत खिलाफ है उसने कहा ये तेरे पानी से मैं ये पहाड़ मुझे बचा। अच्छा नूह के जमाने में भी जो बंदा नबी को छोड़ता था पहाड़ बचा। कमाल मेरा ईमान है आप लुत्फ लेंगे। नूह के बेटे के घर में यह था कि वो सैलाब और अदाब का पानी नीचे रह जाएगा और मैं पहाड़ पे बैठ के सैलाब इंजॉय करूंगा। सुन लिया कर। ऐसे भी सुन लिया कर। और जब नूह का बेटा नबी की कश्ती छोड़, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाप की कश्ती छोड़, क्योंकि नबूवत में ना रिश्तेदारी चलती है ना शादी चलती है। नबूवतों में ना रिश्तेदारियां चलती हैं। कश्ती है मैं जाऊ नबी की कश्ती छोड़ के पहाड़ पे चढ़। आपने लुत्फ नहीं लेना तो लेना किसने? और जब पहाड़ को महसूस हुआ मुनकर नबी का मुझ पे खड़ा है जो मैं कहने लगा, जब पहाड़ को यकीन हुआ कि मुनकर नबी का मुझ पे खड़ा है, पहाड़ शर्म से पानी पानी। यही तो लुत्फ है, यही तो मदरसे में बैठने का मजा है कि तर्जुमे की जरूरत भी नहीं। ये तो कभी कभी आने वालों के लिए तर्जुमा करते हैं। इन नबनी मिन अली हजरत नूह ने दबे दबे इहतजाजी लहजे में, ये मेरा बेटा मेरी अहल है, मालिक ने झिड़क दे के कहा लैसा मिन अली। जब हमारे अहले इस्लाम भाइयों के दानिश्वर कभी हजरत नूह की कश्ती वाला वाकया पढ़े और यहां तक पहुंचे कि अल्लाह ने कहा लैसा मिन हालिक, फिर उन पे वजद की कैफियत तारी हो जाता है। फिर पता है लहजा क्या होता है? अल्लाह मर्जियों वाला है, चाहे तो बेटों को अहल से निकाल देता है। अल्लाह मर्जियों वाला है, अल्लाह मर्जियों वाला है, चाहे तो बेटों को अहल से निकाल। आज वजद में हम भी आ रहे हैं, वाकई अल्लाह मर्जियों वाला है, चाहे तो बेटों को अहल से निकाल देता है, चाहे तो निवासों को बेटा बना देता है। नबी का था क्योंकि कश्ती नजात पे नहीं चढ़ा, शजरा ना बचा सका। मेरा ईमान है आप समझेंगे, इस शजरे की मैंने तशरीह नहीं करनी। अच्छा भाई मेंबर पे कह रहा हूं, इसकी मैंने वजाहत नहीं करनी, मैं मेरा ईमान है आप समझते हैं। वजाहत इसलिए नहीं करनी, एक तो वक्त नहीं है, दूसरा वक्त नहीं है,
بیٹا ڈوب گیا, نبیوں کا سلطان کہہ رہے ماسل اہل بیت گماسل سفینہ تلو, محمد فرماتے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. کیا ضرورت پڑ گئی تھی نبی کو, کہاں کشتی نوح, کہاں رسولوں کا سردار, لیکن حدیث ہے تیرے نبی کی کہ میری اہل بیت کشتی نوح جیسی, میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. میری اہل بیت, جب نوح کا بیٹا کشتی پہ نہ چڑھے تو نبی کا بیٹا خون تربیت نبی کی ہو کے ڈوب جاتا ہے. بندے یار یہی سوچ لیتے ہیں, وہ جی کاظمی ہے, وہ جی بخاری ہے, وہ جی نقوی ہے, وہ جی رضوی ہے, وہ جی زیدی, اور لاکھ سید ہو سید بھی وہی بچیں گے جو علی ولی اللہ. چڑھے لیکن ان لوگوں نے اپنے نبی کی کشتی کو پتھر تو نہیں مارا. اللہ ہو آپ سے یہی حق ہے غریبوں کے بوجھ. ہاں یہی دکھی کہانی اولاد زہرا کی جو ہے نا, اس کا یہی معجزہ ہے کہ دیر ہی نہیں لگتی. مسلمانوں تم کشتی اہل بیت پہ نہ بھی بیٹھتے, چلے دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, مسلمانوں تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ بٹھاتے لیکن بہنوں کے سامنے غریب کی لاش پہ تھوڑے تھوڑے کو نہ بٹھاتے. آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے. ذکر کا صدقہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے, آنسوؤں کا صدقہ, ان آنسوؤں کے بدلے اللہ وہی آنسو عطا کرے جو غمِ آل نبی میں بہائے جا سکے. اللہ ہمیں ذاتی غموں کے لیے آنسو نہ دینا. جب ساری لاشیں اٹھ گئیں اس وقت فضا نے رو کے کہا تھا پامالی کے لیے دو ہی لاشیں بچ گئی ہیں, ایک رباب کے بیٹے کی, دوسری زہرا کے بیٹے. اس وقت فضا نے رو کے کہا زینب تیری ماں زہرا کا بھی کوئی بھائی ہوتا, ہر کسی کے رشتہ دار کربلا میں ہے, حسین کو بچانے والا کوئی نہ ہے. میں روزانہ آپ سے کہہ رہا ہوں جب غریبوں کے دکھ بیان ہوتے ہیں پھر صرف رویا نہ کرو کرلایا کرو. ایک صحابی مجلس میں بیٹھا رہا, ذکر کربلا ہے, تیرے پانچویں امام نے پوچھا ابو بشیر تجھے رونا نہیں آ رہا, رومال دکھا کے کہا بولا یہ میرا رومال آنسو سے بھیگا رہا ہے. امام نے فرماتا ہے ذکر ہماری دادیوں کا ہو اور رومال منہ پہ رکھ کے رو, اس طرح رویا کر جیسے ضعیف ماں جوان بچے کے لاشے پہ رو. اور میں سید ہو کے تمہاری منتیں کر رہا ہوں بھیا, اگر بی بی فاطمہ اگر حسین کی ماں چپ چاپ روتی ہوتی پھر مدینے کے لوگ علی سے کیوں کہتے فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے. اے سیدہ بی بی تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ روئے.
آپ کو زیارات نصیب فرمائے، حج پہ جاؤ عمرے پہ جاؤ، جو بھی بندہ عمرہ کر کے آتا ہے وہ دوستوں کو احباب کو یہ بتائے گا مدینہ کی عمارتیں بڑی اچھی ہیں، مدینہ کی سڑکیں بڑی اچھی ہیں، مسجد نبوی کمال بنی، کوئی نہیں بتاتا محمد کی بیٹی کی قبر کا کیا حال، کوئی نہیں بتاتا سیدہ کی قبر کا کیا حال۔ بہت سال پہلے جب میں گیا، میرے ذاتی زندگی کا واقعہ ہے، مالک آپ کو بھی لے جائے، اللہ میرا جانتا ہے، رات کے 11 بجے کا ٹائم تھا، ہوٹل ہمارا قریب تھا، یہ جنت البقیع سے وہ سیڑھیاں مسجد نبوی کا جو ذہن ہے وہاں سے کچھ خواتین کے رونے کی آوازیں آئیں، میری جگہ آپ بھی ہوتے تو کیسے سو سکتے تھے۔ ہم جلدی سے اترے، وہاں لوگوں سے پوچھا یہ خواتین یہ بیویاں یہ کس ملک سے آئی ہیں، ہمیں بتایا گیا کہ یہ قافلہ خواتین کا ایران سے آیا ہے، ان کے بیگ بھی ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں، یہ پہلے اپنے ہوٹلوں میں نہیں گئے، یہ سیدہ کی چوکٹ پہ پہلے سلام کرنے ہیں۔ اور اللہ میرا جانتے ہیں مسجد نبوی کی روشنیاں حد نگاہ تک جا رہی تھی، اندھیرا تھا بقیہ والے علاقے میں، ایک ایرانی عورت نے قبر نبی کو منہ کر کے کہا نبیوں کا سردار اپنی روشنیاں دیکھ اور اپنی بیٹی کی قبر کا اندھیرا دے اور اس بیٹی کا دین پہ خرچہ دے، یا رسول اللہ تیرا ایک بیٹا ہمارے پاس ایران میں آیا تھا، آ دیکھ ہم نے تیرے بیٹے کا روزہ، یا رسول اللہ کیا فرق پڑ جاتا ماں زینب کی سہارا ہمارے ایران آ جاتی۔ سیدہ 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 تمہارے 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 دکھوں کو صرف اپنے دکھوں تک محدود رکھے، اولاد زہرا کے دکھوں کے ساتھ اللہ کسی کو کوئی مصیبت پریشانی نہ دکھائے۔ میری بیٹیاں پردے میں پہنے بیٹھی ہوئی ہیں، سید ہونے کے ناطے میری اپیل ہے، اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، دکھ اس بات کا ہے جب زہرا دنیا سے جاتی ہے، حسین 7 سال کے، حسن 7 سال کے، حسین 6 سال کے، زینب 5 سال کی، کلثوم 3 سال کی، دعا مانگو اس عمر میں بچوں کی ماں نہ مر جائے، حویلیاں اجڑ جاتی ہیں، گھر ویران ہو جاتے ہیں، نصیبوں کا پرسا ہے، اپنے حصے کی آنسوں مانگا کرو، جب گھر سے چل کے آ جاتی ہو پھر جتنا پرسا ممکن ہے دیا کرو، اور اگر کوئی مومن کہتا ہے جی میں آتا تو ہوں بیٹھتا ہوں مجلس میں لیکن مجھے آنسو نہیں آتا، پھر پریشان نہیں ہونا، سر جھکا لینا، آنکھیں بند کر لینا اور کہنا 18 بھائیوں کی مبارس کا ہے، تیرے اجڑے گھر کو پرسا دینے آئے، علی کی بیٹی کسی کا دامن خالی نہیں ہوگا، آباد رہو آباد رہو، لفظ میں آخری کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ گنجائش بھی نہیں رہ گئی۔ بندے کہتے ہیں یار اس قوم کی سمجھ نہیں آتی، یہ روتے بہت رہے، روتے ہم اس لیے کہ مدینے میں بچوں کے سامنے ان کی ماں کو مارا، کربلا میں ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو مارا، اپنے شہزادوں کو لے کے اپنے گھر کو آ رہے تھے، شہزادوں کو لے کے، یا حسین رک گئے، آگے ایک بندہ کھڑا ہوا تھا،
बेटा बेटा हुसैन बेटा घर करीब है चलते क्यों नहीं। हुसैन कहते बाबा आगे वो बंदा खड़ा है जिसने मेरी अम्मा को बहुत की आखिरी रात है यारी मेरे बड़े हाथ देख
या अली सहरा कह रही है या अली आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई, या अली मुझे माफ कर देना, शीशे मार के गिरिया की आवाज है तुम्हारे मौला अली की बुलंद हुई। और रो के फरमाते, रो के अली फरमाते हैं, सहरा 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 माफी माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। सहरा आप कह रही है तो खिदमत में कमी रह गई है, मुझे माफ कर देना। सहरा माफ किया तो मुझे मांगनी चाहिए, तू कायनात के बादशाह की बेटी थी, मेरी हवेली में आके तेरी पुछलियां टूट गई, तेरा बाजू टूट गया, तेरा चेहरा जख्मी हो गया, तू बच्चों से अपना चेहरा छुपाती रही, कहीं ज़ैनब ना पूछ ले अम्मा तेरे चेहरे पर जख्म कैसा है। हौसले के साथ कहा कि मैंने बच्चों का खाना मैंने बना दिया, आखिरी जिंदगी के लम्हे। कनीज हैरान होकर कहती है, बीबी आप तो दाएं हाथ से तस्बीह नहीं कर सकते, जख्मी पहलू से हाथ तो नहीं उठा, खाना क्यों तकलीफ की आपने, छोटे छोटे बच्चे थे। सैयदा जहरा, मेरी बेटियां बहनें सुन रही हैं, सैयदा जहरा ने कहा अपनी कनीज से कि जिस घर में जनाजा हो जाए अमूमन छोटे बच्चे भूखे रह जाते हैं, मुझसे हुसैन भूखा देखा नहीं जाता, मुझसे हुसैन प्यासा देखा नहीं जाता। सैयदा ने बच्चों से कहा, बेटा नानी की खबर पे जाओ, मेरी सेहत की दुआ मांगो, दुआ करो किसी के बच्चों पे ये वक्त ना आए। बच्चे नाना की खबर पे आते हैं, हसन तावीज़ खबर के सरहाने की तरफ खड़े, हुसैन नाना के पैरों की तरफ खड़े, और छोटे छोटे अमामे बाहर के बच्चों ने नाना की खबर पे रखी, और इमाम हसन ने हाथ उठा के कहा, नाना आपके बाद हमारे घर को किसी की नजर लग गई, नाना हमारा बाबा अली बड़ा गरीब हो गया, नाना एक दिन हमारे बाबा कह रहे थे, जहरा जहरा आप पूछ रही थी मदीने के लोग अली आपको सलाम नहीं कहते, बाबा कह रहा था जहरा गरीबी का ये आलम है जिसे मैं सलाम कहता हूँ, जवाब नहीं देता, नाना हमारे घर को किसी की नजर लग गई। ये लफ्ज आखिरी में फिक्रा कह रहा हूं, इसके बाद मातम है, वक्त तमाम हो गया, मैं रोक रहा हूं। हसन ने नाना से हाथ उठा के नबियों के सरदार की खबर पे, जवाना ने जन्नत का सरदार हसन, शहजादे अमन हसन जिसके जनाजे को इसी रोजे थे, तीनों की शराबियां मिली, नाने की खबर पे खड़ा होकर हसन ने दो दफा कहा, नाना मेरी अम्मा बीमार, नाना मैं सेहत की दुआ मांग रहा है, नाना मेरी अम्मा बीमार। जब तीसरी दफा कहा ना, मेरी अम्मा बीमार, 6 साल का हुसैन चीख मार के रोया,